हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी जो कि जेम्स किंग्स के द्वारा दिया गया है उसको पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है और इन तरह के मोटिव्स क्या हैं। तो वो सारे चीजों को हम लिख करके ध्यान देंगे और किस तरह से लिक्विडिटी क्या क्रिएट होता है या उसका कारण क्या है वो भी जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। लिक्विडिटी टैब का मैंने एक और अलग से भी वीडियो बना के डाला हुआ है, तो उसको भी आप लोग देख लेंगे, उसमें डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब इसका मतलब हुआ तरलता अधिमान नियम। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी तरलता अधिमान सिद्धांत भी कहा जाता है। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है मतलब लोग प्रेफर करते हैं पैसे को लिक्विड फॉर्म में रखना। लिक्विड फॉर्म में रखना मतलब कैश के रूप में पैसे को रखने का जो उनका प्रेफरेंस होता है उसे हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहते हैं। ये थ्योरी जो है, ये टर्म जो है, वो इंग्लिश इकोनॉमिस्ट जॉन मैनार्ड कीन्स के द्वारा 1936 में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक फेमस बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में दिया गया है। तो कीन्स का कहना था कि जो मनी के लिए कुल मांग है, एग्रीगेट डिमांड फॉर मनी जो पूरे इकोनॉमी में होता है, उसी को लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहते हैं। मतलब कैश का जो डिमांड होता है पूरे इकोनॉमी में, उसे हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस या तरलता अधिमान कहते हैं। तो जेम्स किंग्स ने मेंशन किया था ये कॉन्सेप्ट अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में, और उन्होंने बताया था कि मनी का कनेक्शन इंटरेस्ट रेट और सप्लाई और डिमांड के साथ कनेक्शन बताया था। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो है वो क्या है, डिमांड फॉर मनी है, और उस डिमांड फॉर मनी को हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी। कंसिडर दैट लिक्विडिटी जो हम मनी का डिमांड करते हैं कैश के रूप में रखने के लिए, दैट इज नोन एज लिक्विडिटी। लिक्विड क्या होता है, कैश, क्योंकि उसे हम कहीं भी तुरंत यूज कर सकते हैं, इसलिए उसे लिक्विड कहा जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय जेम्स किंग्स, ये तो हम लोग बार बार देख रहे हैं उनकी किताब, ताकि आपको ये किताब का नाम याद आ जाए हो जाए। ये भी पूछा जाता है किंग्स की बुक जो 1936 में पब्लिश हुई थी उसका नाम क्या है, तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो उस वो क्या बताता है कि इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी। तो हम लोग जानते हैं कोई भी चीज का रेट जो होता है वो फिक्स होता है उसके मतलब डिमांड एंड सप्लाई पर। तो डिमांड फॉर मनी एज एन एसेट was theorized to depend on interest foregone by not holding bonds. अब क्या है कि इसको आप समझिए कि डिमांड फॉर मनी क्या है, कि अगर हम मनी को कैश में रखना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो मनी को हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ पर बॉन्ड के रूप में हम बॉन्ड नहीं खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट का बॉन्ड या सिक्योरिटीज को नहीं खरीद रहे हैं। अगर खरीदेंगे तो हमको उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन हम वो इंटरेस्ट को फॉरगो कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मनी को कैश के रूप में अपने पास रख रहे हैं। अगर मनी को हम अपने पास कैश में ना रखकर बॉन्ड खरीद लें तो हमें क्या होगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस इंटरेस्ट को फॉरगो करने से हम कैश मनी अपने पास रख रहे हैं, और यही मनी का डिमांड है कि हम बॉन्ड ना खरीद कर कैश में रखेंगे और उसके बदले में जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम फॉरगो करते हैं, छोड़ते हैं। तो द टर्म बॉन्ड्स कैन बी अंडरस्टूड टू ऑल्सो रिप्रेजेंट द स्टॉक्स और अदर लिक्विड एसेट्स इन जनरल एज वेल एज गवर्नमेंट। लेकिन या तो हम बैंक में जमा करें या तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को खरीदें, तो जिससे हमें इंटरेस्ट मिले, तो वो काम हम ना करके कैश को नगदी रूप में जब रख रहे हैं तो इसे हम लिक्विडिटी कहते हैं, जो कि डिमांड फॉर मनी वही होता है कि कैश के रूप में हम नगदी के रूप में पैसे को अपने पास रख रहे हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस इकोनॉमिक्स में क्या है, एक प्रीमियम है जो वेल्थ होल्डर्स डिमांड फॉर एक्सचेंजिंग रेडी मनी और बैंक डिपॉजिट फॉर सेफ नॉन लिक्विड एसेट्स सच एज गवर्नमेंट बॉन्ड। मतलब क्या है कि
ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है कि जो हम प्रीमियम को छोड़ते हैं, जो गवर्नमेंट का बॉन्ड लेते हैं और उसमें हमको इंटरेस्ट मिलता है, उसको हम डिमांड करके हम कैश के रूप में रखते हैं। तो इंटरेस्ट प्रिंस क्या है ना, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट जो है वो क्या चीज का रिवार्ड है, प्रिंस की थ्योरी में कि पार्टिंग विथ लिक्विडिटी। पार्टिंग विथ लिक्विडिटी का क्या मतलब है कि हमारे पास कैश है, वो कैश हमने बैंक में जमा कर दिया या बॉन्ड खरीद दिया, तो हमारे पास जो लिक्विडिटी थी उसको तो हमने अपने से अलग कर दिया, दूर कर दिया पार्टी। अब हमने अपने से अलग कर दिया तो बदले में हमें क्या मिलेगा, हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट क्या हुआ, लिक्विडिटी को अपने से अलग करने का रिवार्ड है। क्लियर है यहाँ पे, तो जरूरी। तो प्रिंस का कहना था कि मनी सबसे लिक्विड एसेट होता है, सबसे लिक्विड, तुरंत आप उठाए किसी को दे दिए कोई भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये किसी भी एसेट का एट्रीब्यूट होता है, लिक्विडिटी क्या है, एट्रीब्यूट है, तो उसकी गुणवत्ता है। तो द मोर क्विकली एन एसेट इज कन्वर्टेड इनटू मनी, जितनी जल्दी वो चेंज हो जाए मनी में। जैसे कि हम कभी कभी ये भी देखते हैं कि कुछ चीजें होती हैं जिसको हम देखते हैं तो तुरंत उसके बदले में कैश मिल जाता है, लेकिन कुछ चीजें कुछ चीजों को अगर हम देखते हैं तो तुरंत पैसे नहीं मिलते हैं। जैसे अगर हम कोई अनाज या गोल्ड लेके जाते हैं, गोल्ड लेके जाते हैं तुरंत उसके बदले में कैश मिल जाता है, लेकिन हम घर पे ये करना चाहते हैं तो कैश मिलने में देरी होती है। तो अगर हम घर बेचते हैं तो बहुत लिक्विड नहीं हुआ, लेकिन गोल्ड फिर लिक्विड हो जाता है। तो द डिटरमिनेंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम यूज्ड इन क्लासिकल मॉडल आर रियल फैक्टर्स ऑफ द सप्लाई ऑफ सेविंग एंड डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रेट कहाँ होता था उसके क्लासिकल मॉडल में, क्या होता था कि सेविंग कितना है और इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी डिमांड है। लेकिन केन्स के एनालिसिस में इंटरेस्ट रेट का डिटरमिनेंट केवल मॉनेटरी फैक्टर है, ठीक है, और उसमें क्या था कि फैक्टर्स ऑफ सप्लाई ऑफ सेविंग एंड डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, कितना सप्लाई हो रहा है सेविंग का और कितना डिमांड है इन्वेस्टमेंट का, तभी उस पर इंटरेस्ट रेट आधारित होता था। किंग्स का एनालिसिस डिमांड फॉर और सप्लाई ऑफ मनी पर डिपेंड करता है, मतलब डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड सप्लाई ऑफ सेविंग क्लासिकल में। तो किंग्स का एनालिसिस कंसंट्रेट करते हैं डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी एज अ डिटरमिनेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट को कौन डिटरमिन करता है, डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो किंग्स का कहना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक मॉनेटरी फेनोमेना है, वो मॉनेटरी फैक्टर है जिसमें कि प्राइस इंटरेस्ट जो है वो प्राइस पे किया जाता है बॉरोड फंड के लिए, जो फंड हमने लोन लिया उसके लिए इंटरेस्ट दिया। तो लोग क्या पहचानते हैं, लोग पसंद करते हैं कैश अपने साथ रखने को और उसको किसी एसेट में ना इन्वेस्ट करके कुछ लोग कैश रखते हैं। तो ये इसको हम क्या कहते हैं कि लिक्विड, क्या प्रेफरेंस है लोगों का, कैश को लिक्विड फॉर्म है। बहुत लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, घर खरीद लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, कुछ लोग नहीं, कुछ लोग खाली बैंक बैलेंस अपने पास बैंक बैलेंस को नहीं डिमांड को लेकर करके रखते हैं। तो ये चीज जो हुआ वो पैसे जो रखते हैं अपने पास कैश फॉर्म में उन्हें बैंक पर दूसरा सुपर, तो ऐसे लोगों इसको हम कहते हैं प्रेफरेंस फॉर लिक्विड कैश। अब लिक्विड कैश इनकम से जो भी लोगों का इनकम होता है, तो हम पढ़ेंगे इनकम हाइपोथेसिस, उसमें जानेंगे कि सभी पैसा जो मिलता है उसको सब लोग खर्च नहीं करते। ये मैन का नेचर है, जो हमने देखा था एमपीसी और एमपीएफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू वन, मतलब वो बताता है कि किसी भी व्यक्ति की जो आय होती है उसमें से वो कुछ खर्च करता है कुछ बचाता है, 100% खर्च नहीं करता है। तो अब इसमें से जो किसी भी व्यक्ति का रिसोर्स है वो कितने कैश के रूप में रहेगा और कितना खर्च होगा, ये उस व्यक्ति का लिक्विडिटी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। इसका मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपने इनकम का कितना पैसा खर्च करेगा और कितना कैश के रूप में रखेगा, ये उसकी तरलता अधिमान पर निर्भर करता है। कैश क्योंकि सबसे लिक्विड है तो लोग कैश रखना चाहते हैं, और इंटरेस्ट क्या है, कैश को लिक्विडिटी से अपने से दूर करने से, कैश को अपने पास से हटाने से मिलने वाला रिवार्ड है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंस के थ्योरी में किससे डिटरमाइन हुआ, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। तो अब डिमांड फॉर मनी हम देखते हैं, डिमांड फॉर मनी को डिमांड फॉर कमोडिटी से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि
किसी भी वस्तु की डिमांड होती है तो लोग उसको कंज्यूम करते हैं, लेकिन डिमांड के मनी को वो अपने पास होल्ड करते हैं, उसको कंज्यूम नहीं करते हैं। तो सोच मनी इज नॉट कंज्यूम, डिमांड फॉर मनी इज क्या है कि एक एसेट के रूप में मनी को अपने पास रखना, और डिमांड फॉर कमोडिटी को जो भी हम सामान खरीदते उसको हम कंज्यूम करते हैं, उपभोग करते हैं। तो डिमांड फॉर मनी तीन कारण से होता है, उत्पन्न होता है या लोगों का जो कैश पैसा रखने का कारण होता है, क्यों रखना चाहते हैं, तो उसका तीन मोटिव होता है, तीन उद्देश्य से। पहला होता है ट्रांजेक्शन मोटिव, जो डेली के लेन देन के लिए। दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव, जो कि भविष्य के कुछ दुष्चिंताओं के लिए, भविष्य में काम आए इसके लिए। और स्पेकुलेटिव मोटिव होता है सट्टा बाजारी में पैसा लगा के ज्यादा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एक एक करके ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी क्या है कि मनी इज नीडेड फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन, रोज रोज के खर्चे के लिए पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि जो हमको इनकम मिलता है और हम खर्च करते हैं तो उनके बीच में मनी बहुत गैप होता है। मतलब सैलरी मिलती है महीना के शुरू में और हमें पूरे महीने उससे तो खर्च उस पैसे से खर्च चलाना होता है, तो हमको डेली के डिमांड के लिए, डेली की आवश्यकता के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो इसमें क्या है कि हम इनकम को में से पैसे को रखते हैं अपने पास रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, डे टू डे ट्रांजेक्शन को फुलफिल करने के लिए। तो ट्रांजेक्शन मोटिव में लोग क्या करते हैं कि लिक्विड रूप में पैसे अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका इनकम हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। इनकम महीने में एक बार आया, उस पैसे को वो बचा कर रखते हैं कि कोई की जरूरतों को पूरा कर सके। तो ये क्या है कि कितना लिक्विडिटी का उनका डिमांड होगा वो उनके लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा उनका इनकम होगा उतना ज्यादा स्पेंडिंग के लिए उनको पैसे की जरूरत होगी। तो क्योंकि पेमेंट और स्पेंडिंग आर मेड थ्रू आउट द पीरियड, जब इनकम रिसीव हुआ और जब तक दूसरा आएगा उस बीच में उनको हमेशा पैसे की जरूरत होती है। तो उनको एक्टिव बैलेंस के रूप में कैश चाहिए होता है, जिससे कि वो अपना लेन देन कर सके। इसको कहते हैं ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी और नीड बेस्ड मनी, मतलब रोजमर्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जो कि इनकम लेवल पे डिपेंड करता है। किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी डिमांड का रोजमर्रा का खर्चा जो होता है उसके इनकम पर आधारित होता है। किसी का भी जैसा इनकम होता है उसके खर्च भी उसी के हिसाब से होते हैं। बिल्कुल विखाइयर इनकम जो है वो ज्यादा लिक्विड मनी रखते हैं और अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो डिमांड फॉर मनी क्या है कि मनी इनकम का इंक्रीजिंग फंक्शन है, जिसको हम दिखा सकते हैं यहाँ। ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी, EDM means ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी। ये क्या होता है कि वो ट्रांजेक्शन के लिए जो डिमांड होता है उसे हम इसलिए से दिखा रहे हैं EDM से। ये तो किस चीज का फंक्शन है, ये फंक्शन है इनकम का। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी जो है वो किस पर निर्भर करता है, ये TDM किस पर निर्भर करता है, इन पर, वाई पर। तो क्या हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया किस पर, वाई पर। तो वाई इंडिपेंडेंट फैक्टर हो गया। तो यहाँ पर TDM स्टैंड फॉर ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी और वाई जो है वो मनी इनकम। क्लियर है। अब हम करते हैं प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी क्या होता है कि हम भविष्य के लिए जो प्रिकॉशन रखते हैं उसके लिए, जो सावधानी के लिए, या कभी कोई अनसीन इमरजेंसी आ जाए, कुछ ऐसी हो जाए जिसके लिए हमें पैसा की जरूरत पड़े, भविष्य की जरूरतों के लिए हम पैसा रखते हैं। तो ये कैश बैलेंस लोग रखते हैं कुछ इमरजेंसी के लिए, जैसे बीमार पड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया, कुछ तरह का अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा हो गया, तो पैसे रखने होते हैं भविष्य के लिए। तो ये अमाउंट ऑफ मनी जो इस मोटिव से रखा जाता है उसको आइडियल बैलेंस कहते हैं, क्योंकि वो उसका यूज नहीं होता है, वो रख दिया जाता है और वो मतलब रोजमर्रा के खर्चा में भी नहीं निकलता है ना जमा होता है, तो वो कैश ऐसे ही घर में पड़ा रहता है, इसलिए इसको आइडियल बैलेंस कहते हैं। और ये
किसी व्यक्ति के मनी इनकम पर निर्भर करता है। जिसका ज्यादा इनकम होता है वो ज्यादा कैश रख सकता है, जिसका कम इनकम होता है वो कम रखता है। तो प्रिकॉशनरी मोटिव में क्या होता है कि वो लोग पैसे रखते हैं सोशल किसी भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम को और किसी भी अनयूजुअल कॉस्ट को मीट करने के लिए। तो ये अमाउंट ऑफ मनी जो है सो जैसे रखने का जो पैसा होता है जैसे जैसे इनकम होता है वैसे वैसे लोग घर में थोड़ा ज्यादा पैसा रखते हैं इमरजेंसी के लिए। ठीक है, इसको कहते हैं इमरजेंसी डिमांड को मीट करने के लिए जो पैसा रखा जाता है। तो जिनका हायर इनकम है वो ज्यादा रख सकते हैं और जिनका कम है वो कम रखते हैं। तो ये किसका फंक्शन है, ये भी प्रिकॉशनरी डिमांड जो है ये भी हम यहाँ देख रहे हैं ये जो है ये किसका फंक्शन है, ये भी इनकम का फंक्शन है, वाई का फंक्शन है प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया कि हम इमरजेंसी के लिए जो पैसा रखते हैं वो भी हमारे इनकम पर निर्भर करता है। तीसरा है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, जो हम सट्टेबाजी के लिए पैसे को रखते हैं मतलब उसको इन्वेस्ट करते हैं उससे ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए यूज करते हैं। तो ये किंग्स का किंग्स की देन है, ये मनी डिमांड को किंग्स ने इंक्लूड किया, ये इंट्रोड्यूस किया पहले जो स्टडी में था। तो स्पेकुलेटिव मोटिव में क्या होता है कि अपने पैसे को कैसे लिक्विड फॉर्म में रखना ताकि मार्केट में जो मूवमेंट हो रहा है उतार चढ़ाव हो रहा है बॉन्ड्स के या सिक्योरिटीज के प्राइस में या इंटरेस्ट रेट में जो प्राइस इंटरेस्ट रेट घट बढ़ रहा है उसका फायदा उठाने के लिए पैसे कैश में रखते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो उसको जमा कर देते हैं, बॉन्ड खरीद लेते हैं। जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो फिर उसको हटा लेते हैं। तो बिल्कुल लिक्विडिटी को क्यों रखते हैं कि बॉन्ड इस स्पेकुलेशन में कि बॉन्ड का प्राइस गिरेगा और जब इंटरेस्ट रेट गिरता है तो वो पीपल डिमांड मोर मनी टू होल्ड अंटिल द इंटरेस्ट रेट इंक्रीज। मतलब बॉन्ड का प्राइस जब गिर गया और इंटरेस्ट ज्यादा है तब लोग पैसा बॉन्ड में लगा देते हैं और जब इंटरेस्ट बॉन्ड का प्राइस और डिक्रीज होता है इंटरेस्ट रेट जब कम हो जाता है तो लोग पैसे को कैश के रूप में रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोअर इंटरेस्ट रेट में मोर मनी डिमांड होता है और हायर इंटरेस्ट रेट में होता है कि लोग उसमें लगाते हैं। तो इस मोटिव से जो लोग कैश रखते हैं वो सट्टेबाजी में गेन करते हैं क्योंकि वो बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज में पैसे लगाते हैं जबकि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फंक्शन फ्लक्चुएट इनवर्सली मतलब बॉन्ड का प्राइस घटता है और इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लगाते हैं। जब बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है और इंटरेस्ट रेट घटता है तब वो पैसे निकाल लेते हैं। तो अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ने वाला होता है और इंटरेस्ट रेट गिरने वाला होता है तो लोग बॉन्ड खरीद लेते हैं और उसको बेचते हैं जब प्राइस बॉन्ड का बढ़ जाता है और इंटरेस्ट रेट गिरता है तो बॉन्ड उनको कैश से ज्यादा अट्रैक्टिव होता है क्योंकि उनको बहुत फायदा उनको मिलता है, उससे उनको प्रॉफिट मिलता है। तो अगर बॉन्ड का प्राइस गिरने वाला होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाला होता है फ्यूचर में तो बॉन्ड को वो सेल कर देते हैं और ताकि उनका कैपिटल में लॉस ना हो। मान लो बॉन्ड खरीदा 10,000 का होता है, प्राइस गिर के 5,000 हो जाए तो लोग उसको बेच देते हैं। इस सिचुएशन में कैश बॉन्ड से ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और लोग कैश रखते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट लो रहता है तब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो वो कैश रखना पसंद करते हैं और जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो वो बॉन्ड में पैसे लगाते हैं। तो इस तरह से क्लियर है कि स्पेकुलेटिव डिमांड किसका उल्टा चलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर का डिमांड, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर का मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन होता है ना। यहाँ पर जो स्पेकुलेटिव डिमांड है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के से इन्वर्स चलता है, समझे। डिमांड पर मनी का बढ़ता है जब लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और स्पेकुलेटिव डिमांड पर मनी लोअर रेट बढ़ जाता है जब इंटरेस्ट रेट लो होता है और जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो उसका डिमांड घट जाता है, स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी कैश का घट जाता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि टोटल डिमांड फॉर मनी जो है वो तीन तरह के डिमांड फॉर मनी का योग है। पहला है ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी।
तो डिमांड फॉर मनी जो है उसका नेगेटिव स्लोप होता है। क्यों? क्योंकि डिमांड फॉर मनी और इनवर्स रिलेशनशिप होता है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट का। मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोअर डिमांड ऑफ मनी होगा और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हाई डिमांड ऑफ मनी होगा, लोग कैश रखना चाहेंगे। तो नेगेटिव स्लोपिंग लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है लोअर रेट ऑफ, जब लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत लो हो जाता है और इसके बाद वो नहीं, तब क्या होता है कि लोग उस समय इन्वेस्ट ना करके पैसे को कैश में रखते हैं। तो किन्स का कहना है कि देयर इज अ फ्लोर इंटरेस्ट रेट, उसके नीचे इंटरेस्ट रेट नहीं गिरता है, तो जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बताता है कि लोगों को उस समय मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम हो जाता है कि लोग बॉन्ड सिक्योरिटी पैसे ना लगाकर कैश रखना ही प्रेफर करते हैं, उस स्थिति को लिक्विडिटी ट्रैप बताया जाता है। किन्स ने उसको लिक्विडिटी ट्रैप बताया, मतलब तरलता के जाल में आ गया, अब लोग इतना कम इंटरेस्ट रेट है कि पैसा को कैश रखना ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसको फिगर में हम देखेंगे आगे के फिगर में, जिसमें की लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है डीएम और मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये है लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व डीएम, ये वाला कर्व यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ पर आकर फ्लैट हो गया, तो यही लिक्विडिटी ट्रैप होता है। तो इसमें क्या बता रहा है, डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी, तो ये अमाउंट ऑफ मनी है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आता है तो मिनिमम हो जाता है और यहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाता है, तो इन दोनों के बीच ही डिमांड फॉर मनी और सप्लाई, डिमांड फॉर मनी और इंटरेस्ट रेट के बीच में ही वैरी करता है। यहाँ पर क्या था कि आर मिनिमम कर परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है, एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाता है, तो वहां पर एक सीलिंग है इंटरेस्ट रेट का, सीलिंग है आर मैक्स, उसके ऊपर नहीं जाता है और आर मिनिमम के नीचे नहीं जाता है। इसको हम देखते हैं, पर ये सीलिंग है, ये आर मैक्स है, इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं जाता है, ठीक है, और आर मिनिमम है, इसके नीचे नहीं जाता है, तो मतलब इससे ज्यादा नहीं और इससे कम नहीं। लेकिन जब आर मिनिमम रेट हो जाता है तो यहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं कैश रखना बनिस्पत की इन्वेस्ट करना। तो सप्लाई ऑफ मनी इन पर्टिकुलर पीरियड डिपेंड्स अपॉन द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, क्योंकि मॉनिटरी अथॉरिटी कौन है, किसी भी देश का तो सेंट्रल बैंक है और वही मनी को कंट्रोल करता है। तो मनी सप्लाई कर ऐसे में जो है वो हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी से डिटरमाइन होता है। तो OM जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल सप्लाई ऑफ मनी है, ये OM टोटल सप्लाई ऑफ मनी है और एट ई पॉइंट, ये पॉइंट ई है जहाँ पर डिमांड फॉर मनी DM और सप्लाई ऑफ मनी दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, यहाँ पर डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी इक्वल है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड एट OR। अब कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन OR, तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हम देख लें कि OR से रेट ऑफ इंटरेस्ट ये OR है, ये डिटरमाइन हुआ इक्विलिब्रियम पर एट पॉइंट ई, अगर OR से ज्यादा है तो क्या होगा कि यहाँ पर इतना सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा है और डिमांड फॉर मनी कम है, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है। तो यहाँ ये जो गैप है ये हमें बता रहा है कि मनी सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, और अगर उससे कम होता है ओवर टू होता है ये वाली लेवल पर, यहाँ पर हमारा डिमांड फॉर मनी बढ़ जा रहा है और सप्लाई कम हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, पहला में तो डिमांड फॉर मनी सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गया, तो लोग सिक्योरिटीज खरीदेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, प्राइस राइज होगा और इंटरेस्ट रेट से गिर जाएगा,
तो उनकी ज्यादा डिमांड हो जाएगा। दूसरे तरफ क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लेस हो जाता है तो डिमांड फॉर मनी बढ़ गया, नीचे वाले सिचुएशन में और में तो लोग क्या करेंगे कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो लोग अपने सिक्योरिटीज को बेच देंगे, तो सिक्योरिटी कैसे बेचेंगे तो फिर उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा क्योंकि, और फिर ये पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट किससे डिटरमाइन हो रहा है, तो मॉनेटरी वेरिएबल से। वो क्या है मॉनेटरी वेरिएबल, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी किस तरह से काम करता है कि इन्वेस्टर्स डिमांड करते हैं प्रोग्रेसिवली हायर प्रीमियम्स ऑन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज एज अपोज्ड टू शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो हायर प्रीमियम डिमांड करते हैं जब वो ज्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से जो किंग्स ने डेवलप किया इन सपोर्ट ऑफ द आइडिया कि डिमांड फॉर लिक्विडिटी होल्ड्स स्पेकुलेटिव पावर, लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स आर इजीयर टू कैश इन फॉर फुल वैल्यू। तो ये स्पेकुलेटिव पावर और स्पेकुलेटिव डिमांड पर डिपेंड करता है। ठीक है, कैश को लोग एक्सेप्ट करते हैं सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट के रूप में। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या बताता है कि इंटरेस्ट रेट जो होता है वो छोटे समय के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है सिक्योरिटी जो बॉन्ड होता है उसमें कम होता है, लोअर होता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स क्या होते हैं कि लिक्विडिटी को ज्यादा समय के लिए अपने से अलग नहीं करते हैं, और मीडियम या लॉन्गर टर्म के लिए वो ज्यादा समय के लिए लिक्विडिटी को अपने से पार्ट करते हैं, उस पर उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। इस थ्योरी के कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला कि क्लासिकल और न्यू क्लासिकल थ्योरी की तरह किंग्स की थ्योरी भी इनडिटरमिनेट है, मतलब किंग्स चार्ज द क्लासिकल थ्योरी ऑन द ग्राउंड दैट इट अज्यूम द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिक्स्ड। किंग्स ने आलोचना की थी क्लासिकल थ्योरी की क्योंकि वो फुल एम्प्लॉयमेंट मान के चलते थे, लेकिन सेम क्रिटिसिज्म किंग्स के थ्योरी में है क्योंकि वो इनकम का लेवल को गिवन मानते हैं, वो ये इस चीज को नहीं डील करते कि इनकम बढ़ता घटता है। तो डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन करता है, किंग्स का ये कहना है, और जबकि वो लेवल ऑफ इनकम की चर्चा नहीं करते हैं। तो जब इनकम नहीं पता होगा तो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कैसे पता चलेगा। इसलिए ये जैसे जैसे इनकम बदलता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी बदलता है, तो जिससे इंटरेस्ट रेट बदलता है इस मामले में किंग्स का थ्योरी नहीं कुछ जवाब देता है। दूसरा कि किंग्स कमिटेड एन एरर इन रिजेक्टिंग रियल फैक्टरल डिटरमिनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट रेट डिटरमिनेशन। उन्होंने केवल सप्लाई और डिमांड पर और अलग कुछ रियल फैक्टर्स को इग्नोर किया। तीसरा है कि इस थ्योरी गिव्स अ चॉइस बिटवीन होल्डिंग रिस्की बॉन्ड्स और रिस्कलेस कैश। तो एन इंडिविजुअल होल्ड्स आइदर बॉन्ड और कैश, नेवर बोथ, दोनों को नहीं रख सकता। रियल वर्ल्ड में क्या है कि अनसर्टेनिटी और रिस्क है जो कि इंडिविजुअल को दोनों, इन रियल वर्ल्ड में लोग कैश भी रखते हैं बॉन्ड भी रखते हैं। तो ये जो गैप है किंग्स का थ्योरी में वो टॉबिन ने फिर उसको फिल किया और उसमें उन्होंने बताया कि लोग अपना चॉइस रखते हैं, वो बॉन्ड कितना रखेंगे कितना कैश रखेंगे। तो इस तरह से हम कंक्लूड करते हैं कि सारे क्रिटिसिज्म के अलावा इन स्पाइट ऑफ ऑल क्रिटिसिज्म किंग्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी हमें इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के बाद किसी देश के इनकम एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के बारे में बहुत कुछ बताता है। और इसका बेसिक पर्पस जो था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कभी फुल एम्प्लॉयमेंट पर नहीं पहुंच सकता क्योंकि वहां लिक्विडिटी ट्रैप होता है, वो उन्होंने मतलब साबित कर दिया। तो इस तरह से यह अर्थशास्त्र का एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। सो और ये जी भी है, मुझे विश्वास है कि आप सबको समझ में आया हो आ गया होगा। प्लीज मैं अगर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।